कोरिया जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा प्रोजेक्ट ठप पड़ा है। रीपा में स्वीकृत निर्माण कार्यों से लेकर यहां चल रही गतिविधियां भी बंद हैं। अब हालात ये है कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क वीरान पड़े हैं। बता दें कि यहां गोबर पेंट इकाई, पेपर ब्लॉक, बोरी बैग समेत अन्य उत्पादों का निर्माण शुरू कर स्व सहायता समूहों को लाभ मिलने का दावा किया गया था, लेकिन ये सब 6 महीने से बंद पड़े हैं। ऐसे में यहाँ काम करने वाली गांव की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि उन्होंने शुरू के दिनों में काम किया, लेकिन अब अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके तहत जिला पंचायत CEO आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि रीपा प्रोजेक्ट 6 महीने से बंद है। जो भी उत्पाद वहां बनाया जाता है डिमांड के आधार पर किया जाता है। जैसे ही डिमांड आती है महिला स्व सहायता समूह डिमांड के अनुसार उत्पाद बनाती है। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि 6 महीने से बंद है। जैसा आप जानते हैं कि जो भी उत्पाद वहाँ पे बनाया जा रहा है स्थानीय स्तर पे, वो डिमांड बेस्ड है और डिमांड के आधार पे सब सुनिश्चित होती है। स्व सहायता समूह उसी आधार पे काम कर रहे हैं। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया अभी पूर्व में कि जितने भी उत्पाद वहाँ बन रहे हैं वो डिमांड बेस्ड हैं और जैसे डिमांड आती है स्व सहायता समूह जिनका उनसे अनुबंध है वो डिमांड के आधार पर सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। कब से बंद है? तो अब इसे चालू होना चाहिए। होना तो चाहिए, तो बाकी अब नहीं तो चालू कर रहे तो क्या करे? चालू भी नहीं करा था नहीं रे नहीं करते। यहाँ का अब लेबरो मन उतरे घूमत फिरा था, कुछ तो काम देते करते।